अवाम है अवाम है प्रणाम 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 भाई प्रणाम प्रणाम भाई अवाम प्रणाम। <laughs> के चाल है बढ़िया है यार बताओ ये ब्याह कर लिया फाइनली <laughs> तो 20 साल तो रहे कर ले घराले पाछे पड़ रहे थे करले कर ले फिर मैं मंगा मेरा मेरा ब्याह तो मेरे काम तो हो रहा है फिर वाली बात कर दिया ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਕਾਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਿਆਹ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕਾਮ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਯਾ ਬੜੀਆ ਛੋਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਵੱਢ ਗਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾ ਚਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਰਾਂਡੇ ਹੋ ਲਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਰਿਆਣਾ ਮੈਂ ਤਨੂ ਜੀ ਤੂੰ ਗਣਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਹੋਇਆ ਜੋ ਬਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਤਨੀ ਲੇਟ ਆਪਨੇ ਸੋਚੀ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਅਬ क्या सोचा कि मतलब अब टाइम हो गया या लड़की ऐसे मिल गई या कई हाँ, क्या फैक्टर हुए कई कई फैक्टर मिला के उसका फिर, जो भी है, उनकी भी है। फिर मैं जाकर किसी ने क्यों और वो एक्चुअली सावरकर जी की पिक्चर में भी नहीं हुआ भी गहला नहीं हुआ था <laughs> मैं रियलाइज नहीं करता क्योंकि मैं इतने उसको पास से काम कर रहा हूं ना पर काफी ऐसा उनकी जिंदगी से काफी मेरी मिलता जुलता काम होने लगा फिर फिर मैं, मैं कहा यार बाड़क बुड़क जीसा करे है दूसरा एक बाड़क देख के भाई मारा भी हो है एक टाइम आए जाए हाँ, फिर <laughs> वो हो जाए है भाई मारे भी बाड़क हो है कि मैं फिर आदमी ना तो फिर एक पॉइंट पे आके भाई कर किस लिए रहा है कर क्या रहा है और किस लिए कर रहा है और इसका आगे क्या होगा फिर पेरेंट्स नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा तो वो सब करके फिर मैंने मैं सोची मैं मगर कर लिया ब्याह सोच तो ये कि पेरेंट्स का कि अब जैसे हेल्थ भी उनकी भी उतनी नहीं होगी जैसे जो दस साल पहले होगी तो उनकी जैसे आप भी बढ़ रहे हो जीवन में तो हाँ। उनकी तो हेल्थ डिटेरिएट हो ही रही है रियलाइज नहीं होता पर जैसे पेरेंट्स भी आप जैसे बढ़ते जा रहे हो पेरेंट्स भी बुजुर्ग होते जा रहे हैं तो वो रियलाइजेशन मेरे को होने लगी थी और हालांकि मेरे पेरेंट्स बिल्कुल ठीक ठाक हैं पर उम्र तो हो ही रही है वो भी उनकी याद आगे कैसे जाएगी तो वो करके मैं मगर ब्याह कर ला तो पहले आगे सारा काम खत्म खत्म हो जाए तो वो सारी चीज़ें सोच के आदमी सोचा चल भाई वे, एक नेक्स्ट स्टेप उठाना पड़ेगा लाइफ में तो यहाँ पे तो मैंने ए, कलाकार के तौर पे भी मैंने एक, एक एक्टर से डायरेक्टर राइटर hmm. प्रोड्यूसर की तरफ कदम उठाया ऐसे ही लाइफ में तो मेरी ये दो साल में दुर्गति बहुत हुई है पर मेरी तरक्की भी उतनी हुई है hmm. सोच में भी हुई है और डिसीजंस में भी हुई है और बोल्ड स्टेप्स लिए मैंने कुछ जो कि मैं पहले भी लेता था पर कमिटमेंट ज़्यादा कर दी इस बारी तो hmm. वो चाहे पर्सनल लाइफ में हो प्रोफेशनल लाइफ में हो और बाकी आगे भाई देखी जाएगी जो ऑल इन हो गए प्रोफेशनल में भी और पर्सनल में सब क्या है मैं ऑल इन हो लिए और कितनी बार देखा ऑल इन करा ना दा, चलो <laughs> मारा डोके लेओ करना के है आ, <laughs> अच्छा न्यू बताओ कि भाभी में ऐसा के लग गया कि भाई ब्याह करना चाहिए देखो वो बहुत स्पिरिचुअल है बहुत सेंटर्ड है वो और आ, मेरी मैं कोई आसान आदमी नहीं हूं जिसके अलग कोई रिस्क है <laughs> <इसाग्यों को हो। laughs> भी पिक्चर में ला दिया कदे न्यू भी कर दिया न्यू भी कर दिया तो सारे डाल के वो है फिर ऊपर से आदमी थोड़ा सा फिर जो क्रिएटिव आदमी होता है वो अकेला भी बहुत होता है और काफी चीजें होती है तो वो सारी चीजें हमारी बन गई उसने मेरे को वो मेरे झेल लेती है और उसको ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि भाई इसका पहला काम प्रायोरिटी हमेशा रहता है जैसे तो हम शादी के बाद मून वगैरह पे भी नहीं गए अच्छा। बट देखा वो विकत सावर करते पिंडा छूटे तो आगे पढ़ा <laughs> तो मैं वगैरह छूटेगा फिर मैं और भी मेरे लाठी

पर वो टुक टुक हो रहा है पारी मारी आ रही ना है वे और आ, आ, उसको एकदम से एक इतनी पॉलिटिकल ओवरटोन आ गई पिक्चर को कि पिक्चर का जो क्राफ्ट है जिस तरह से मैंने पिक्चर बनाई है जिस तरह से सोच से बनाई है और जो मैंने टेक्निक से बनाई है जिस म्यूजिक से कैमरा से क्या लिखाई से और परफॉर्मेंस से वो बनाई है वो लोगों ने बैक सीट पर रख दिया और इसको सिर्फ पॉलिटिकली आगे लेके कि भाई पॉलिटिकल पिक्चर बना दी इलेक्शन में रिलीज हो रही है इसी और भी आ तो, पर में करने का बेस्ट डे होता है इंडिपेंडेंस डे पाछला चला गया क्योंकि आपस में सुलह फैसले नहीं हुए हमारे पार्टनर आगे फिर अगला तो यार फिर मैं, मैं एक और साल लग जाएगा इसमें तो फिर फिर छब्बीस जनवरी ने रिलीज करने की सोची फिर भी ना बनी बात फिर या फाइनली बाईस मार्च ने रिलीज रिल शहीदी दिवस एक दिन पहला मैं कहा, चलो भाई यो, कुछ तो क्रांति वाला डे का तो फिर वाह हुई फिर इतने में चार वह हो गई फिर लोग पिक्चर आ गई हमारा तो डिसीजन हो गया था पांच तारीख फिर तीन चार और आ गई मतलब तुम्हारी तो पिक्चर भी उस कैटेगरी में आने लगी मैं चलो ठीक है तो वो एक पॉलिटिकल वो इलेक्शन के बाद रिलीज करते क्या करते आई डोंट नो पर मेरा तो इससे इलेक्शन का कोई लेना देना था नहीं

फिर मैं मगा भाई टाड़ी हो गई फिर मैं मगा मैं इसकी मैं इसकी साइड भाई <laughs> तो ले लो ले लो, आ, ले, ले, ले लो ले लो फिर मैंने फिर मगा फिर मेरे कहना पहला भी हो चुका था मैं इतना फिजिकली कमिट कर चुका था एक सारा गड़ी करके प्रोजेक्ट को मगा ये दूसरा होगा भाई मैं दो साल इसमें लिकट गए तीन साल उसमें लिकट गए थे तो

बेड़ा ठा लिया तो फिर उस पर मुकर के बाजना तो वो तो एक रिग्रेट पूरी जिंदगी आप आप क्या हो सकता था क्या नहीं हो सकता था ये तो आप वो कर नहीं सकते ना यार एक दो बारी होलिया होलिया जिंदगी में फिर तो मैं ठीक है मैं लाठी लिया तो फिर पूरी काट डाली लेकिन मैं आप तो एक बात बताऊँ जो भी इस मूवी ने देखा है मतलब जिसने ना देखी और वो सोशल मीडिया पे डालना तो बहुत आसान है ठीक है लेकिन जो देखा जैसे लिंकन के ऊपर एक मूवी बनी थी हॉलीवुड में कुछ साल पहले उस मतलब अगर इंडिया में देखा जाए तो बायोग्राफी पे बहुत कम बायोग्राफिकल मूवीज इस जॉनर की बहुत कम है। बनती है और इस क्वालिटी की मूवी जो मुझे लगता है कि अगर पहले जो बात चल रही थी जिस तरीके की मूवी की उसमें और इसमें तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है और इस टाइप की मूवी तो मतलब आज मा, मा, ना भी चले या लेकिन ये पाँच साल दस साल बाद भी इसकी वैल्यू रहेगी इतनी बढ़िया मूवी बन वाई वाई बात है इसका बजट जिसमें बनाई थी उतनी तो यार चाल का तो को अपना हमने तो है नहीं हाँ इसने छक्के नहीं मारे वो बात अलग है तो वही मैं कह रहा था कि इसको पॉलिटिकल ओवरटोन देके ना पिक्चर की क्वालिटी पे जो एक लोगों ने अन्याय जो कराए देखी नहीं पहले आ रहे या तो इसी है पर मैं जानता हूँ ये सावरकर जी की जीवनी में भी होया था आज जो हमारी गवर्नमेंट है वो सावरकर जी को फॉलो करती है hmm. राइट ऐसे इस पिक्चर के साथ भी होगा कितने साल के बाद भी ये पिक्चर जीवित रहेगी और मेरी एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी कि भाई इस आदमी के लिए जिंदे जी इतना न्याय होया और इसके मरण के बाद भी इसने खाम खा की बिन बिना अनपढ़ लोग बिना पढ़े लोग बिना जानकार लोग गाढ़ बकन लाग रहे किसी किसी बात कहें जिस आदमी ने कितना बलिदान करा तो मगर यार एक बार या मेरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो वाह यार उस क्वालिटी तय उस तय मन छोड़ कर जानी पड़ेगी ना मैंने करना पड़ेगा उसका काम थका चेपी करके तो कही, कही ऐसी ना, जो राइट विंग पे वो नहीं आती बात। तो मेरे को तो यार, मैं तो, मैं, कलाकार director, लिए इसके बहुत जरूरी था कि जैसा मैंने एक्टिंग की आज तक जिंदगी में जब मैं पिक्चर डायरेक्ट करूँ तो वो भी उसी क्वालिटी की हो ना तो वो मैंने कर दिया और ये पिक्चर का या चालती रहेगी या मैंने न्यू बेरा

सावरकर जी की पिक्चर ए पॉलिटिकल हो ही नहीं, नहीं सकती। उसका विरोध ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं। उनका जो छुपाया इतिहास जिनने छुपाया वो ही इस पर टिप्पणी नहीं ला रहे भाई गलत है वो मेरे को सर हर क्या प्रूफ है जो इस पिक्चर में गाली में ना बात हर क्या का प्रूफ है तो कोई सी उसका प्रूफ है मेरे दो रिलीज कर दो घंटा पचास मिनट में तेरेपन साल की कहानी कहने लग रहा है

आप बात बताओ भगत सिंह नहीं थे भगत सिंह तो 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 तो, कायर क्या जाने उन आंसुओं की कीमत, इंग्लिश में लिखा था जो वतन पे मर मिटने वालों की आंखों से छलकते हैं वो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था न्यूज पेपर में जब कैद में थे तो ये सारी चीजें भैया ये मैंने बताया चलो भाई ना मिलना आया चलो ठीक है एक मिनट

अरे ये पता नहीं अपने हरियाणा में भी मेरे ख्याल से रिसेंटली थोड़ा चालू है बाकी अगर आप पहले देखे अगर हम जैसे बच्चे थे जब दस एक साल के होया करते ये तो आर्य समाजी परिवार से जैसे हम आते हैं तो उसमें तो मतलब आर्य समाज वाले भी ये इसके ऊपर कहानी बताया करते है कि भाई वीर सावरकर ऐसे बोलते थे उनकी कहानी बताते थे कैसे उन्होंने अंग्रेजों से लड़ा और ये रिसेंटली देखो कितना पॉलिटिकल हो गया ये मामला ये पॉलिटिकल इसलिए हुआ ना क्योंकि एक साइड के लोग वोट ले रहे थे इतने साल की फिर दूसरी साइड वो उनकी मत चली गई तो दूसरी साइड पूरा पासा घूम गया मेजोरिटी में तो फिर भाई उनका तो आइडल यो हिंदुत्व है हिंदुत्व तो फिर उन गाड़ की इसने पहले बकेंगे सावरकर जी ने जो आ, गंगोत्री है उससे बकेगा और ये माफी वीर माफी मतलब यार किसी आदमी तो को गया है काला पानी जाके देखा है सताइस साल का लड़का भाई सताइस साल का लड़का उसको 50 साल की कैद हो जाए उसका छूटने का हो उन्नीस में छूटना हो उसको उन्नीस में बंद हो जाए उड़द जागे के लोट मारेगा क्या करेगा उड़ते लिखने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा फिर लोग कोशिश क्यों करो उसका है जुडिशियल प्रोसेस में आदमी क्या करा खुद भी वकील था वो वकील था ना तो क्या क्या करेगा फिर वो न्यू करेगा वो अपनी भाई बेल याचिका लिखेगा न्यू 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 और न्यू और उसने नहीं लिखी सब की लिखी और सारे छूट गए नहीं। यो नहीं छोड़ा छोड़ा ना इसका भाई बाबा राव वो तो क्रांतिकारी था पर वो लिखे लुखे नहीं करता तो बेचारा उसकी कहानी तो बिल्कुल ही कति कति बहुत कम रहेगी पर क्या है हमारी तरफ ना भगत सिंह भगत सिंह ने माफी नहीं मांगी अरे भगत सिंह को तो फांसी होगी थी भाई उसने पचास साल थोड़ी बैठना था उड़े वो तो सावरकर को तो वो इतना बड़ा थ्रेट मानते थे कि काला पानी में तो उन्हीं लोगों को भेजा जाता था, था ना जो बहुत ही खतरनाक काला पानी में जैसे पिक्चर है जिसपे ये एक पार्टी वाले कांग्रेस वाले कूद के पड़े थे हुँ. भाई ये सच है आप मेरे को दिखा दो भाई कोई भी आदमी काला पानी भेज जाओ काला पानी आदमी उसी को भेजते थे जो शस्त्र उठाते उठाने की सोचता था या उसकी बातें करता था या उठाता था उनको भेजते थे काला पानी ये तो हमारे नरम दल वाले ही हो गए थे लोकमान्य तिलक जी को जैसे ही उन्होंने वहाँ भेजा मैंडले जेल में बर्मा में सात साल की कैद करी उनको क्यों क्योंकि उन्होंने खुदी राम बोस की बढ़ाई कर दी थी बस इतना था उनका खुदी राम बोस की बड़ाई कर दी थी पहले उन पर सी आई डी सावरकर जी पे सी आई डी सब पे सी आई डी रखे करते सात साल जब वहाँ भेजे तो गोखले साहब जो नरम दल के थे वो ऊपर आ गए उनका प्रस्ताव प्रस्तुत चलता रहता था भाई जिम खाना में एंट्री होनी चाहिए फलाने सिविल जॉब में चार जॉब और होनी चाहिए फलानी चीज़ नहीं होनी चाहिए उनका प्रस्ताव चल ही जाया करता

यार जो तो ना, ना चलती तो उनको अब एड्रेस करना ही पड़ता उसमें आदमी क्या करे उसकी लैंग्वेज कर रहे। और जो ये कह रहे हैं भाई जो सवाल उठा रहे हैं सावरकर पे वो तो कई बार कोर्ट में माफी मांग चुके हैं एग्जैक्टली <laughs> 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 exactly. पहले पहले आरोप लगाकर बिना एक दिन जेल में काटे एग्जेक्टली exactly. और उसको 11 साल सावरकर जी को काला पानी में रखा उसके बाद हेल्थ ग्राउंड्स पे गांधी जी ने एंड में बताया भाई तुम लांगी लांगी, भाई तुम राइटर हो लांबी लांबी मत लिखो यो यो है इतने इतने छूट लिए मारा के सिंपल फिर वो उन्हें लिखी फिर वो उससे छूटे हुए गांधी जी भी उनको चाहते थे कि भाई इंटरप्राइजिंग आदमी है उनकी सोच नहीं मिलती पर यह गवर्नमेंट का हिस्सा बनेगा ना प्रोविजनल गवर्नमेंट का तो हमारे को ऑर्गेनाइजेशन में फायदा होगा क्योंकि तो अभी न भारत वगैरह ऐसे कई ग्रुप इन्होंने बना रखे थे तो इसको एक्सपीरियंस था तो चाहते थे आए पर उनको जब निकाला तो उस पर कंडीशन लगा दी फिर वो हाउस अरेस्ट में रहे उन्नीस तक इनमें के था मतलब ऐसा जब मैं पढ़ता हूँ ना इनकी पूरी जो हिस्ट्री है सावरकर की एक तो एक जो थ्रेड दिखता है वो तो ये है कि इतनी यातनाएं सही पूरे जीवन में जब से पैदा हुए और जब तक मरे वो इतने पर्सनल जो ग्रीफ है ना वो इतना ज्यादा था पूरे जीवन में और वो कभी ख़त्म नहीं हुआ दूसरा इनका ये है कि ऐसी स्किल्स थी कि किसी को भी इंस्पायर करके उसको काम करवा देते हुआ था जब वही उसी स्कीम देने गए उसमें तो हुआ था पहले जब असैसीनेशन हुआ था तो तीसरा हमला होया सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई भाई गांधी जी जी कहते हैं कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस डिजोल्व करो आजादी के लिए थी तम बड़े बन गए प्राइम मिनिस्टर तो तो पा देंगे दूसरा तीसरा हमला जीप जाके गोली तो कौन सी चाल रही थी जख्म कौन सा था वो तो अलग है, वो आ तो अलग अलग पिक्चर है है ठीक फिर पहला जो एक डिक्टेट आया मेरे पास लिखे हुए हैं वो कि सावरकर मिस वि, विनायक सावरकर इज नॉट टू बिग अ पर्सनैलिटी शुड नॉट बी अरेस्टेड अनलेस देर इज जुडिशियल प्रूफ फिर आया बोला जुडिशियल इफ दे इवन इफ देर इज नो जुडिशियल प्रूफ हिज हिस्ट्री एंड आइडियोलॉजी सेड दैट ही कुड हैव डन इट बट वो करने से क्या हुआ हिंदुओं ने बापू को मारा बिकॉज हिंदुओं के ये स्पोक्स पर्सन थे हिंदुओं hmm. ने बापुओं को मारा ये हेडलाइन बन गई सावरकर जी को इन्वॉल्व करके hmm. उससे क्या हुआ उससे, क्या हुआ? उससे कट गए सब गिल्ट में एक यूनिटी जो बनने वाली थी वो ये बन गए जिन्होंने मारा जो इन्होंने नहीं मारा जो तो ऐसे हिंदू पूरा वो बट गया उस वक्त hmm. फिर हिंदू महासभा खत्म हो गई क्योंकि लाखों हिंदू आए थे पाकिस्तान से यहां पे और सबने देखा था बंटवारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हैंडल करा था वो अच्छी तरह नहीं गया hmm. कितने लाखों लोगों करोड़ों लोगों को तो प्रॉब्लम आई तो इनकी तरफ घूम रहा था पूरा उन्नीस के इलेक्शन का जब एक्चुअल इलेक्शन पहला इलेक्शन जो हुआ हुँ. पर इनको करके खत्म हो गया ओपोजिशन खत्म हुआ में ऑलमोस्ट जीत गए कोई पार्टी बच्चे, बच्चे, बच्चे नहीं गया नहीं तो ये जो षड्यंत्र हुआ इस षड्यंत्र के बाद से इनकी तो बिल्कुल ही जैसे आपको पता है मैं जब वहां जेल में गया तो मैंने वहां बता रहे थे मेरे को ऐसे ऐसे मैं सात विंग थे कब गए अभी तीन रह रहे हैं बोला दो तो जापानियन तोड़ दिए थे बंकर बनाने के लिए दो नेहरू जी ने तोड़वाए

ऐसी तो, तो वो सारे एक साइड फेसिंग है और वहां पे कोई सैनिटेशन नहीं कुछ नहीं कोई खान का कीड़े दिया करते पता नहीं क्या और इतना उनको इनको तोड़ना था काला पानी बना इसलिए था कि हमारी जो सशस्त्र क्रांति की सोच वाले लोगों को तोड़ा जाए और हमको ये बता हमारे तो पड़ा ही नहीं कभी 1940 में यहाँ पे बगावत हुई थी बॉम्बे डॉक में ही नहीं हमारी हिस्ट्री में ही नहीं है और क्लेमेंट एटली की मैंने स्पीच में पढ़ा तीन स्पीचों में कि हमने आजाद इन फौज के थ्रेट से और जो वापस आ रहे थे जो ट्रेंड आदमी थे हमारे जो इंडियन जो ट्रेन हो गए हमने ट्रेन किए थे वो वापस आके हमारा वो स्वीकार नहीं कर रहे और इंडियन नेशनल आर्मी में जा रहे हैं और ये दोनों साइड सावरकर जी ने भरी थी बोल बोल के बढ़ती हो बढ़ती हो बढ़ती हो ताकि जितने लोग ट्रेनिंग लेंगे उतना उतना हमारा सशस्त्र बनेंगे हम ये प्रस्ताव वाले नहीं रहेंगे वो तो कहते थे यहाँ पे इंडस्ट्री बनाओ जो आज है आज हमारा जो मुकाम पूरी दुनिया में है वो डिप्लोमेसी हमारी अच्छी है ठीक है हमारी यंग मार्केट है तो हमारी इकोनॉमी हमेशा सॉलिड रहती है तीसरा हम अपने शस्त्र बनाते हैं hmm. सारी दुनिया के आधुनिक शस्त्र हमारे पास है इसीलिए हमारी वो है ना और यही सावरकर जी कहते थे कि अपने आप को सशस्त्र करने से ही हमारा नाम हमारी हमारी से इस वर्ल्ड में उससे बढ़ेगी और नेहरू जी गांधी जी कहते तो हमको तो आर्मी की जरूरत नहीं उन्नीस में जब पहला चाइना ने हमको तो उस वक्त जो फील्ड मार्शल थे के एम करियप्पा उन्होंने कहा था कि अगर सावरकर की सुनते और सावरकर की सावरकर जी की सशस्त्र देश को सशस्त्र करने की सुनते तो आज हमारी ये हालत नहीं होती और नहीं ये जो आपने कहा सावरकर जी ने ये कहा था कि भाई फौज में भर्ती हो जाओ और सीखो चलाना बंदूक चलाना सीखो यही तो चौधरी छोटू राम ने भी कही थी उनके खिलाफ तो नहीं बोलते अपने नहीं नहीं यार देखो ये एक नैरेटिव चला दिया था उन्नीस सौ नाइनटीन के एंड में नाइनटीन में कि इनके ऊपर ये लालचना लगानी शुरू कर दी थी ये एक्चुअली 1945 के इलेक्शन में हुआ था प्रोविजनल गवर्नमेंट का इलेक्शन जो था वहाँ हुआ था क्या हुआ था हमारी अंग्रेज बोल रहे कि भाई हम अंग्रेजों ने फंसा लिया भाई हिंदू महासभा को बुला लिया मुस्लिम को बुला लिया कांग्रेस को बुला लिया भाई बताओ हम तुम्हारी मदद चाहते हैं फिर क्विट इंडिया मूवमेंट कर दिया जिसमें सारी सबसे बड़ी पार्टी के सारे नेता वॉलंट्री अरेस्ट हो गए और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो मुस्लिम लीग वाले थे उनको मौका मिल गया सभी जगह अपना प्रोपेगेंडा करने उनका का परसेंटेज बढ़ गई उनकी पार्टी की 1940 में पाकिस्तान का प्रस्ताव आया और उन्होंने वो दो तीन साल का जो पीरियड था वो ऐसे यूज किया प्रोपेगेंडा फैला वो प्रोपेगेंडा करने यूज किया और बाकी सारे जेल चले गए जेल भी कैसे चाइना चाइना की प्लेटों में खाने बटलर बैडमिंटन ग्राउंड गाय, बकरी के दूध की आइसक्रीम <laughs> और और ट्रिपल फाइव की सिगरेट और थी, तीन साल काटे वहां किताबें लिखी पर देश को देखो कितना बड़ा नुकसान हुआ बहुत बड़ा क्विट इंडिया मूवमेंट क्विट इंडिया नहीं वो सावरकर जी ये कहते थे क्विट इंडिया नहीं ये स्प्लिट इंडिया है सावरकर नहीं चाहते थे कि ये देश बटे अखंड भारत का उनका सपना हमेशा से था और वो हमेशा उसी के साथ वो जब वो हुआ तो उनके दो अटैक हुए पूरी मीटिंग होती है जब बोलते अच्छा? तो है ना जवाहर तू जिन्ना साहब को प्राइम मिनिस्टर बनने दो उसके बाद बोलते है ना क्योंकि ओवर माय डेड बॉडी तो आता है आट 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 गांधी की भी नहीं सुन रहे वो ऐसे करके गिर जाए तो हार्ट अटैक ही हो अच्छा अच्छा दो हार्ट अटैक हो गए इनको और ये तो हमेशा कहते थे कि मैं हिंदू इसलिए हूँ क्योंकि तुम मुसलमान हो नहीं तो मैं एक आदमी इंसान हूँ तो पहले मुस्लिम लीग बनी तो मैंने ये सरकम स्टैंड परिस्थितियाँ जो होती हैं वही इंसान को जो वो इंसान होता है वो बनाती है आज की परिस्थितियों से उस टाइम के आदमी का जजमेंट लेना बेकार है कोई काम ही नहीं उसका तो मैंने क्या किया था पिक्चर में भी मैंने ऐसे ही किया परिस्थितियां बनाई है बिल्कुल उसके अंदर क्या रिएक्शन था वो कैसे आदमी बदलते गए बदलता गया ग्रो होता गया कैसे उनको वो सारी चीज मैंने बताने की कोशिश की है तो इसको लिखना भी बहुत बहुत मुश्किल था उत्कर्ष एथनी के साथ मैंने लिखी है ये तीन रात में एक्चुअली हमने मेन लिख दी थी क्योंकि तीनों ने दोनों ने इतना पढ़ लिया था खटाखट 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 और आप देखो तो पिक्चर सांस नहीं लेती हम्म क्योंकि जितना तो पैक करना है ना त्रेपन साल का कैसे करोगे उसको तीन घंटे में और काटी भी दो साल बनाने में पर शूट एक्चुअली पचपन दिन का ही था अच्छा हाँ तो इसमें टाइम कहाँ लगा ज्यादा टाइम लगे आपस में प्रोड्यूसरों में आपस में प्रॉब्लम रही फिर कुछ ईगो प्रॉब्लम रही Hmm. फिर और प्रॉब्लम रही फिर क्वालिटी ऑफ पिक्चर पे प्रॉब्लम रही तो मैं कहा यार देखो मैं तो थूका चेपियाड़ी कर नहीं सकता हूँ hmm. मैं तो जो उठानी है वो करनी है फिर क्या होता है ना लाइक माइंडेड पीपल जब जुड़ते नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है पर कोई बात नहीं उन चीजों को साइड में फेंको ना यार पिक्चर अभी आ गई है पिक्चर लोग देख रहे हैं जो देख रहा है उसके दिल को छू रही है उससे उससे ज्यादा एक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के लिए इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है यार Hmm. और मैं जाता हूं, पैक्ट, मेरे को तो बुजुर्ग लोग आके पैर पैसे दे के जाएंगे कोई दो हजार कोई नहीं, को नहीं, को नहीं, नहीं बेटा नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं नहीं जी नहीं ऐसे ऐसे लोग मैं तो सिनेमा में जब गया हूँ ऐसे ऐसे लोग मिले मेरे इससे ज्यादा क्या हो सकती है लोग अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं लोगों के बच्चे देख रहे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं भाई तो इनकी सुनी नहीं एक ऑल्टरनेट हिस्ट्री देखो कोई भी कला का जो काम होता है जो कला होती है कलाकार जो कला बनाता है उसका सबसे बड़ा मकसद अगर वो अचीव कर सकता है वो मेरे हिसाब से ही होता है कि वो लोगों में जिज्ञासा पैदा करे और सवाल पैदा करे वो दोनों चीज इस पिक्चर से हो गई है लोग बातचीत हो रही है इसके ऊपर माफीनामा तो, तो, तो क्या माफीनामा तो क्या हमको आजादी अहिंसा से ही मिली है गांधी जी का क्या स्टैंड था उसमें क्यों नहीं बोला किसी ने कुछ काला पानी में क्यों नहीं बोया कोई कांग्रेस वाला तो ये सारे सवाल मैंने उठाए और ये सवाल उठाना मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं ये जब ये पिक्चर आई थी कि मैं ये सवाल उठाऊंगा इस पोजिशन में बैठाऊंगा आज मैं तो भाई ठीक है सावरकर जी को समझता हूँ पर वो समझते समझते वो इतनी बड़ी समझ होगी कि पूरा अब उसमें ये भी तो दिक्कत है ना कि अगर आप अब राजनीति तो थी उसमें अगर आप सच नहीं बताओगे अगर राजनीति को स्किप करना है तो सच बताना से भी तो देखो स्वतंत्र वीर सावरकर है ना तो स्वतंत्र वीर सावरकर जो है, वो राजनीति के बगैर कैसे होगा क्योंकि एक पॉइंट के बाद तो हमारे देश में आजादी की लड़ाई थोड़ी चल रही थी पॉलिटिक्स चल रही थी पॉलिटिक्स चल रही थी अलग इलेक्टोरेट बन रहे थे हमारा पहला इलेक्शन प्रोविजनल गवर्नमेंट का कब 1920 के आसपास हुआ होगा उन्नीस का रिफॉर्म हुआ था उसके बाद हाँ, हुआ उसके बाद बाद हुए तो हमारी डेमोक्रेसी एक उस लेवल पे तो चली रही थी और हर मतलब पूरा पॉलिटिक्स का ही तो खेल था कि कितना गिव देना है कितना टेक करना है ये ही तो चल रहा था खींचता हमारी जो जो स्वतंत्रता हमें मिली है वो अंग्रेजों ने आ, तीस मिनिमम उससे भी ज्यादा हो सकते हैं तीस देशों को 1940-1950 के बीच में उन्होंने छोड़ा है उनमें से एक भारत है तो वो कुछ जीत नहीं है हमने वो तो अंग्रेजों के ऊपर कर्जा इतना हो गया था वॉर में इतना लॉस हो गया था उनको कि वो हमारी इंडिया की सिविल सर्विस ही नहीं चला सकते थे बिल्कुल तो इसीलिए हो गए और फिर उनकी उनको लगा कि अभी अठारह जैसा स्वतंत्रता संग्राम हो गया तो हमको तो ये मारेंगे और वो पैरानोइड थे 1910 के आसपास क्योंकि ये सारी चीजें बहुत हो रही थी। वो उन मैंने पिक्चर में बोला ना ट्रेलर में पीछे बड़ा पैंतीस साल पहले तो गांधी जी इंडिया ही नहीं आए थे तुमने पैंतीस साल पहले कैसे उन्नीस में प्लान ये था उनका लेनिन जी इंटरनेशनल लेवल पे बात चल रही थी अंग्रेजों को कैसे इसको जहां पे सूरज नहीं डूबता उसको कैसे तोड़ा जाए दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ऐसी टाइप की मतलब पूरा मुहिम चल रही थी लेनिन वेनिन ये सब इन्वॉल्व हो गए थे पर उस वक्त ये साथ नहीं दिया मदन लाल ढींगड़ा को मारते उसको कायर बताया गया उसकी फैमिली ने उसे डिसोन किया पूरी पब्लिसिटी की गई नहीं तो राजनीतिक हत्या अंग्रेजों की धरती पे जाके किसी ने कर दी बहुत बड़ी बात तो वो तो बहुत बड़ी और उससे इंस्पायर हो रहे थे लोग कांग्रेस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गांधी जी ने सब ने कायर बोला Hmm. जैसे हमला करते वो इनका प्रस्ताव मान लेते वो ने नहीं डर के ही करता है शासक <laughs> पूरा हिस्ट्री का पार्ट पढ़ाया है चलो इसको छोड़ते।, इसको छोड़ते हैं थोड़ा सा नॉर्मल बात करें तो इसमें जो करेक्टर्स होते हैं जैसे इतना टफ करेक्टर है ये उससे पहले सारा गड्डी में आपने वो लिया उससे उसके बाद सरबजीत भी ऐसा ही करेक्टर था तो ये मतलब आपकी जो पूरी फिल्मोग्राफी अगर देखें उसमें एकदम ही अलग करेक्टर्स हैं वो मेरे सितारे से हैं मतलब अलग अलग जोड़ के के सजा रखे हुए है एक दो पिक्चरों को छोड़ के मैंने कभी रिपीट नहीं किया अपने आप को और ये कॉन्शियस एफर्ट रहा था वो एक तो अपनी पर्सनल एम्बिशन होती है भाई कि मैं कलाकार हूँ तो मैं क्या करू और दूसरा कि अपना काम खुद के लिए इंटरेस्टिंग रखने के लिए चैलेंजिंग रखने के लिए और फिर वही लोगों को छूता है ना यार वो नयापन वो नया कुछ ही लोगों तक छूता है अब वो मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें जाके लोगों के माथे में नहीं लगती वो पिक्चर जाके तो वो बात मेरे कंट्रोल में नहीं है अभी तक तो नहीं थी राइट तो बाकी उसमें मैं क्या कर सकता हूँ मैं प्रोजेक्ट एक तो अपनी चॉइस एज एन आर्टिस्ट कर सकता हूँ भाई दूसरा उसको किस ढंग से अप्रोच करना है वो कर सकता हूँ तो वो भी एक कोई तो करे Hmm. मुझे बहुत लोगों ने बोला जब मेरा करियर शुरू हुआ कि अपना हेयर स्टाइल लुक्स, लुक्स चेंज मत किया कर ये मत कर कि एक ही ट्राइप का दिखेगा तो तू तो स्टार बनेगा अच्छा हाँ. तो मैं तो यार मैं फिर क्या मतलब hmm. मैं तो ऐसे रोल भी मना किए कि मैं तो मैं जिंदगी में रियल लाइफ में ऐसा ही हूँ तो फिर इसका क्या फायदा तो ये सब चीजें भी किए ये डिसीजंस थे एक एक एज में एक फितूर में लिए गए थे और आज भी मैं उन डिसीजन को रिग्रेट नहीं करता हूँ मुझे कुछ पिक्चरें और कर लेनी चाहिए थी जो मैंने मना की मार्के की पिक्चरें थी तो वो कर लेता तो शायद ट्रेजेक्टरी अलग हो जाती पर वो ट्रेजेक्ट्री अलग हो जाती तो शायद मैं इतना अध्ययन न करता इतना अभ्यास नहीं करता कोई रिग्रेट है इतनी शिद्दत नहीं कर नहीं रिग्रेट तो यार रिग्रेट किसको नहीं होती किस चीज़ के रिश्सो आज यार ज्यादा खा लिया कल ज्यादा पी ली

अच्छा ये बताओ कि एक रोत तक से आया हुआ आदमी हाँ। उन्होंने सोची के भाई मैं मतलब बॉलीवुड में जाऊंगा ना मतलब कोई जान पहचान का ना अर स्टार बनूंगा एक्टिंग करूंगा यो एक्टिंग का कीड़ा आया कितने कई भाई मैं नहीं सोचू ना उड़े लालचंद कॉलोनी में चौक में उड़े अपने नाना के घर उड़े मैं रहा करता पोर्च के ऊपर वाले कमरे में उड़े सोचा करता उड़े पोस्टर पास्टर ला रहा था भाई न्यू बढ़ूंगा न्यू करूंगा उड़े इसकी थे उड़े पा, पाकिस्तान थे, बड़े बढ़िया लोग थे जब उनका जो दादा जब मर ना हाँ। तो वो अकेला पड़ी थी लास्ट बच्चे बुच्चे भी काम कोम करने जा रहे थे तो ऐसे नहीं होना चाहिए जब मैं मरूंगा ना

और प्लेज करा करते बड़े बड़े मतलब स्टेज पे घोड़े ऐसे ऐसे प्लेज नेड कैली वगैरह ये हालांकि मेरे को निकाल दिया करते थे प्लेज में से कास्टिंग करके कि फॉर द गर्ल्स अच्छा। पर आ, पर छुप छुप के देखा करता उनको और कुछ एक्टर्स को जो उस प्ले में थे तो एक्टर या एक्ट्रेस, एक्टर, एक्ट्रेस आ, <laughs> फिर धीरे धीरे वहां से मेरे को इसमें रुचि आने लगी फिर मेरी बेबे एक बार ये वेस्ट साइड स्टोरी का प्ले हुआ था तो उसको एक एक्टिंग का अवार्ड मिल गया बेस्ट uh, एक्ट्रेस का तो फिर मैं मगर बाकी सब तो राजी हो रहे थे, जाओ थे मैं जल गया जेट्स ना जे, मगा यार मिल्स का तो मैं भी कर सकू फिर धीरे धीरे मैं तो वहाँ से मतलब वो राई स्कूल आ, से राई स्कूल से फिर मैंने प्ले डायरेक्ट भी करे अच्छा। एक दो और तो वहीं से मेरा ये शुरू हो गया था फिर राई स्कूल छोड़ने के बाद तो कोई नाता ही नहीं रहा फिर मुझे लगा कि मैं टैक्सी चलाया करता मेलबर्न में उड़े पहुंचे उड़े या पहला तो हमारे स्कूल का एक जा रहा था बोला पढ़ाई भी करूं और अड़े पैसे भी कम जाए अच्छा और सारा काम फर्स्ट फर्स्ट क्लास चल रहा है पहुंचे तो पहले सो... वो वाला ना सिस्टम होगा ना, नॉर्मल गए थे हम तो हाँ। फिर उड़े जाके पहुंचे तो हमने उसने सारा पढाई पढ़ाई छोड़ गया तो काम करने लग रहा था मगर ये तो धोखा हो गया फिर पढ़ाई पुढ़ खत्म करी फिर क्या की की पढ़ाई करी मैंने की थी बीबीए अच्छा फिर वो खत्म करके फिर फिर टैक्सी चलाया करता मैं थोड़ा सा उधार हो गया था बड़े तो, तो टैक्सी जब चलाया करता मैं तो मेरे टैक्सी में सर डाल के लोग बैठा करते सर डाल के लोग मैं सोचा करता बुझा करता मैं भाई के है के नहीं करता जब वो आया करते गाड़ी में तो मैं म्यूजिक ला सलाया करता टिप दे के जाओ है कित है किस उम्र का है किसी लते पैर रहा है तो वो कैरेक्टर स्टडी मेरी वहीं से शुरू हो गई थी मेरा पता भी नहीं था मैं तो टिप्स के लिए कराया करता फिर मैं पूछा करता लोग है, है तो फिर मैंने बात बूत करके फिर यू समझ में आया कि भाई एक जो करे एक आदमी है वो बड़े बैंक में बड़ा मैनेजर है पर वो फ्राइडे होता है भाज पूरा पियर पे जाओ उसने फिशिंग करनी है दो दिन Hmm. तो मैं उस उससे ऐसे ऐसे लोग मिलते थे हर टाइप के स्पोर्ट्समैन भी मिलते थे तो मेरे को ये समझ में आया कि भाई अगर तुमने काम करना है अपने जिंदगी में खुश रहना है तो काम ऐसा करो जिसमें तुम्हारी रुचि हो hmm. चाहे पैसे कम मिले तो उनका दुखड़े सुन के भाई इतने दुखड़े नहीं उनकी कहानी दुख ना दुखी ना थे वे। दुखी ना हाँ, आदमी दुखी घने कि दुखी है कि नहीं। बहुत टाइम के बाद पता चलता है तो दुखी था ना नहीं देखा भाई, ये बड़े बड़े लोग है, ने कमा, भी ने नहीं तो क्या थी रुचि मेरी दो थी या तो मैं घुड़सवार घोड़े गाड़े ब्रीड कर सकता था घोड़े का घोड़े गाड़े ब्रीड कर सकू था ये वो तो एक वो भी मैंने ऑप्शन सोचा था बाइक ले गए तीन चार घोड़ी गाड़ी ले गए गा, कर आ गए उनके बेचा एक ये भी ऑप्शन थी मैं तो मैं दो ही रुचि थी स्कूल में एक तो ये स्टेज एक्टिंग एक घोड़े एक तो मैं इन दोनों में से एक चूज करने वाला था तो यही मेरा काम था उसमें से मेरी एक्टिंग होगी फिर एक्टिंग के बाद मैंने घोड़ा में कई कई बार टांग टुडाली <laughs> भी मेडल मुडल लिया कदे कदे एक्चुअली बेरा ना है ज्यादा लोग बॉलीवुड में मेरे हालते दो ही है जो नेशनल अवार्ड विनर्स हैं और बॉलीवुड में भी एक्टर्स हैं एक आप हो और एक राहुल बोस है शायद ने रग... हाँ। हाँ, हाँ। आपका घुड़सवारी में उनका शायद रग्बी में रग्बी में है हाँ। हाँ। तो अब तो पता नहीं करता नहीं मेरा तो अभी कोविड से पहले भी आया था एक सिल्वर हाँ। तो आ, तो वही दो वो रुचि थी तो उन दो रुचियों को मैंने फॉलो करा और डर उसमें भाई की कि मैं बड़े ना बने वो एक थोड़ा सा जल देखी जाएगी फिर एक चीज़ से दूसरी चीज़ जुड़ती जाए मेरे को मेरा ये मानना है कि आदमी की जो चाह होती है ना, जो रुचि होती है उसके बारे में आदमी ज़्यादा सोचता है उसको एनर्जी देता है उसके बारे में बात करता है पढ़ता है लिखता है देखता है तो फिर आदमी धीरे 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 उसको सीखते सीखते ना करते करते फिर आदमी बता रहे इसमें तो टैलेंट है हर एक के साथ ऐसे होता है चाहे कोई भी टैलेंट हो गाने का हो कोई वो टैलेंट हो मैथ्स का हो किसी चीज का भी हो तो मैंने ये सोचा था मैं अपनी रुचि वाली चीज करूंगा बाकी कमाई कुमी देखी जाएगी फिर ये पहली बार क्या कूद जाओ इसमें जब मैं वहां से आया ऑस्ट्रेलिया से तो मैंने पेरेंट्स कद की बात होगी दो ये 2000 की बात है मैं आया जब मैं बोला जी मैं तो एक्टिंग करूंगा तो जो करना करो बुढापे बोझ मत बनिए है।, है और मैं बनाया भी नहीं ये भी यो ने काट दी बेच मैंने हाँ। जमीन बेच कर बनाई है ना बेची मेरे बाबू मेरे सारे पीछे मेरे बाबू कंट्रोल करा करजर है वो ही है तो उन्होंने मेरे पैसे बचा के तो प्रॉपर्टी ली थी ना तो मैं थोड़ा सा खुले हाथ का हूँ तो उनने फिर वो मैं बोला मैं ऐसे बोला भाई दे ने के जाए फिर बना लिए फादर को या मदर को या और घरों को कब लगा कि भाई रणदीप सेट हो गया पहली फीलिंग का दाई आज भी नहीं लगता <laughs> <laughs> नहीं पहली बार नहीं तो लगा होगा कि भाई चि, चिंता में डूबे रहे हैं बेचारे हाँ? आज भी नहीं लगता अः पर यही है क्योंकि मेरा काम ही है ना तीन तीन साल काम नहीं करना ये नहीं करना तो जो आदमी है बचाओ है वो फिर वे खर्च हो, इब इब हो तो करूँगा तो फिर फिर बार, <laughs> बार भी कही थी सारा गड्डी बनाई जब आ, जब भी कही थी, इसके <laughs> बाद नहीं करूंगा तो मतलब इतना सारे रोल्स कर लिए मन में क्या क्या एक्सप्लोर करने की इच्छा है या क्या एज ए डायरेक्टर तो मैंने एक तो मैं अपने भी मिल गया मुझे अगली प्लानिंग के साथ करूंगा कॉन्शियसली करूंगा इसमें तो मैं खैर वो एक, एक से दूसरी चीज जुड़ती गई बनता गया बनता अगली बारी थोड़ी प्लानिंग से करूंगा और उसमें तो बहुत सारी कहानियां हैं जो मैं कहना चाहता हूं और एक से एक अलग है अच्छा। मतलब अगली कहानी अगली भी जैसे मेरे पास देशभक्ति के एक और आइडिया है उसको मैं लिख रहा हूँ और पेट्रियोटिक पिक्चर है वो भी हो रही फिर मैं, मैं कह यार ये पेट्रियोटिक पिक्चर ही बनाता रहेगा क्या और भी पहलू है तुम्हारी जिंदगी के तो मैं ऐसी कुछ लि... दो तीन चार चीज लिख रहा हूँ मैं ये इंस्पिरेशन या रेफरेंस कहा से आते हैं कि भाई अब मेरे को ये बनाना है प्रायोरिटाइज करना भी तो है मतलब आदमी के पास दस आइडिया है

कुछ इसमें मेरे को मजा आएगा या कुछ नई चीज़ ढूंढने को मिलेगी या फिर एक ऐसी सच्चाई करने को मिलेगी जो कभी करी नहीं तो एज एन एक्टर वैसे चूज करते एज ए डायरेक्टर तो अभी जैसे कि मैंने एज एन एक्टर अपनी फॉर्म तोड़ तोड़ के कराया काम कभी एक्सेंट चेंज कभी ये कभी वो और बारीकी चीज़ों से वैसे ही मैं फिल्म मेकर भी बनूंगा एक ही तरह आदमी तो एक ही है ना यार तो वैसे ही मैं अभी नेक्स्ट फिल्म मेकर का वो ढूंढ रहा हूँ और मैं ये पिक्चर भी अगर आप देखो तो मैंने यंग लोगों के लिए बनाई है hmm. फॉर्म ऐसे यूज करिए कि यंग लोग कंज्यूम करेंगे और वो करेंगे एग्जाम के बाद करेंगे बड़े होके करेंगे कब करेंगे वो करेंगे जरूर hmm. वैसे ही मैं एक और ऐसी पिक्चर बनाना चाहता हूँ मैं ना कोई एज ए फिल्म मेकर में कोई ऐसे आइडिया मेरे को आइडिया बड़ा चाहिए आइडिया अगर बड़ा नहीं होगा और लार्जर लोगों को नहीं छुएगा तो वो फिर मैं अपने अपने आ, शौक पूरा करने के लिए नहीं बना बना एक्टिंग कर सकता हूं उसके लिए अच्छा। पर फिल्म नहीं बना सकता मेकर नहीं कर सकता मेरे को होता ही नहीं। भी। की? नहीं। यार मैं तो सोचता हूँ सारी कमर्शियल होती है कौन सी आर्ट पिक्चर होती है हर पिक्चर में पैसा लगता है हर पिक्चर में रिकवरी होती है नहीं फिर जैसे इसके ऊपर जो सावरकर जैसी मूवी बनी उसमें सबसे आपको बढ़िया कॉम्प्लीमेंट किसी ने दिया हो या मतलब एज अ डायरेक्टर किसी ने अच्छा इनपुट दिया हो आपके घर वालों ने या आसपास मित्रों ने फीडबैक फीडबैक इन द सेंस कि मतलब पॉजिटिव वाला कि भाई मूवी में ये बहुत बढ़िया एस्पेक्ट नहीं मुझे सबसे जो कॉमन चीज मिलती है कि लोगों को लगता है कि हम पिक्चर में थे उन्हें ये नहीं लगता कि हम पिक्चर देख रहे थे हुँ. वो मैंने जानबूझ के किया इसलिए आप। कैरेक्टर आपको आंखों में देखते हैं थिएटर में तो मैंने वो जान के किया ब्रदर मैंने एक इमर्सिव एक्सपीरियंस बनाया जिसमें ना ही आप आप थोड़ी देर के लिए आप भूल जाते हो आप उसी सन में चले आप देख नहीं रहे हो पिक्चर आप पिक्चर में पिक्चर में हो आप तो जैसे मैं रणदीप ने दिखना चाहिए तो <laughs> <laughs> उसमे तो ऐसे दिख रहा है जैसे फोटो वोटो और वो पूरा सीन में डिफरेंट स्टोरी फिर भी इतना है करते क्योंकि तो। मैं पी रहा था सावरकर जी ने पी रहा था उनकी सारी लिखाई पूरी पिक्चर लिखाई भी मेरी थी ना लिखाई में भी मैं इन्वॉल्व था तो मैं पिक्चर पी रहा था तो मुझे उसमें इतना वो करने की जरूरत नहीं पड़ी Hmm. मुझे पता hmm. था किस सीन किस लिए है क्या इंटेंशन है बट इतना करना जरूरी होता है क्या आपके लिए पर्सनली शायद क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि यार इतने में कुछ नहीं होता मतलब ऐसे ही कर लो एक्टिंग तो जिसको आती है भाई जिसने जैसे, जीना जिस, जीना जरूरी है क्या जिसने जैसी करनी हो मैं इसमें कोई सबका अपना अपना होता है इसमें।, इसमें कोई पैमाना नहीं है hmm. थारा पैमाना थारा है उसको जैसे तुम अप्रोच करना चाहो ठीक है उसमें कोई ऊंच नीच भी नहीं है कोई वो नहीं मेरे मेरे हिसाब से मैं ऐसे करना चाहता हूँ

मैंने बुलाई स्पेशली जान के बुलाई है क्योंकि वो आज की डिक्शन नहीं है अच्छा वो उर्दू की ज्यादा उन्होंने ठीक करी थी हिंदी उर्दू पहला मैं इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में बोला करता हिंदी हरियाणवी एक्सेंट हाँ तो फिर वो मैंने दोनों ठीक करे बीच में ले आया और फिर प्रोसेस क्यों यो प्रैक्टिस क्योंकि बहुत लोगों को जरूरत है इस चीज प्रैक्टिस भाई जो कर जिसी सुनो पर मैं तो कह रहा हूँ अपनी हरियाणवी में प्रॉब्लम के है मन तो कोई प्रॉब्लम मारे ने बोला जाटे वाले से हिंदी में बात करो बात तो आजकल के कति बहु सारी बहू ने हिंदी में बात करो हिंदी में बात करो भाई हिंदी में बात करो हरियाणवी में भी कर लो हुँ. और जैसी आप सुनोगे जैसे मेरा भानजा है वो भी एक्टर बनने की उसको शौक चढ़ गया अभी कर मेहनत तो भी कर रहा है तो मैं वो उसको हिंदी कम आती है अंग्रेजी ज्यादा बोलता है तो मैं उसको बोला मैं मेरे से हिंदी में बात कर बैठ के फिर जब तक बात नहीं करेगा रियल लाइफ में जब तक नहीं करेगा आदान प्रदान सोचना हिंदी में तब तक तेरी कितनी प्रैक्टिस कर ले नहीं होगी तो आप इंग्लिश आपने सीखने तो इंग्लिश में बात करो अगला चाहे कुछ मखौल उड़ाओ तो फिर ये आपको कितना लगता है कि जो लाइफ के का एक्सपीरियंस है जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस है थोड़ा अपना रोहत तक का भी है और और जगह भी रहे हो हो तो वो लाइफ एक्सपीरियंस जो कैरेक्टर्स प्ले करते हो, क्या रेफरेंस था रोत तगाड़ा था रोत तगाड़ा था वो राई का था मेरा एक दोस्त है संदीप पुनिया कहीं तो उसकी आत्मा को सोच के मैंने करा था हालांकि अच्छा। वो मैं हूँ बट उसका एटीट्यूड था जैसे महावीर भाटी में, में मेरे काका एक चार सौ सात चलाया करता हाँ। उसका एक्सपीरियंस था अच्छा आ, तो फिर ऐसे ऐसे लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं सारे हाँ। सरबजीत का दूसरा एक्सपीरियंस था मेरा और हर एक एक्सपीरियंस ऐसी मतलब अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस आसपास के लोग कोई याद आता भाई और हो, न्यू होया करता है न्यू होया करता हाँ। वैसे ही होती है सारी बात और कोई बाहर से थोड़ी इंस्पिरेशन आती है तो इन सारे करेक्टर्स में मतलब पर्सनली फेवरेट एक तो मतलब मैं हरियाणवी अगर बात करूं तो बहुत सारे बढ़िया कैरेक्टर्स लागे तो पर जो लाल रंग का जो है ना, है ना वो ही हवा में नहीं आ गया वो। मतलब वो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि भाई क्योंकि हरियाणवी में था तो वो आसान हो गया था नहीं 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 तब तक मुझे तो हरियाणवी क्योंकि मैं उसके पहले पता नहीं कौन सी पिक्चर रहा था जिसमें हरियाणवी बिल्कुल दूर जा चुका था हाँ। तो शुरू शुरू में तो मैं बोलने लग गया फिर मैंने अपने दो चार हरियाणवी दोस्त बैठाए बैठाएंगे बात करने गया दोबारा हरियाणवी फिर लगने ला गई ना तो मैं बोलना मुश्किल हो गई थी क्योंकि अच्छा। दूसरी चाप पीछे करके आ रहे हो उसकी प्रैक्टिस करके आ रहे हो तो वह थोड़ी बोलनी मुश्किल हो गई थी पर फिर मैंने दोबारा ले आया उसको और उसको थोड़ा सा मैं कहा यार हरियाणा यही उसमें पहन लो कुर्ता पहन लो मैं न्यू क्यों कर यार अब रंगीन भी तो उसका हम्म जोकर मैंने एक्सट्रैक्शन करी आप देखो किसी भी हॉलीवुड वाली पिक्चर में एक्शन रोल नहीं पाओगा आपने किसी इंडियन का उनकी इमेज खराब कर रखी है सारे आईनसावादी है ना है <laughs> तो एक ऐसी इमेज बनी हुई तो मैंने जानबूझ के वो कैरेक्टर करा एक्सट्रैक्शन भी बच गई ना तो वो सारा गड्डी के चक्कर में वाह भी जाती वाह भी गई थी वो भी नाट दी थी मैंने वो तो बेचारे हुए बोले कि नहीं नहीं कर कर लो तो तो मैंने फिर वा कर दी वो उसका एक्सपीरियंस कैसा था जैसे आप एक तो यहाँ के वो से वो ज़्यादा पिक्चर में तो मजा मेरा मेरा मज़ा इसलिए नहीं आया क्योंकि दिल सारा की। जैसे हुआ था दुख हो है आदमी ना देखो न्यू है किसी चीज का चिपटा रहो तो दुख हो ही जाओ दुखी हो ही जाओ ठीक है एक भाई दुख दाग तार कर, दूसरी चीज कर लेनी चाहिए ना।, ना तो फिर होता है अभी होता है जो होता है लाइफ में होता है यार आगे चलो देखेंगे और दूसरा करेंगे और कस लो कमर तो कसली दोबारा से दोबारा कसली भाई मारा तो काम नहीं है आगे सीधा अपना मारा से डार अच्छा न बताओ इतने शहर हम हमारे लिए बाहर भीड़े भी सब तो बढ़िया शहर कौन सा है बॉम्बे बॉम्बे क्या दिया इस शहर ने इस शहर ने सब कुछ दिया यार काम करने की अपॉर्चुनिटी बनी आप मेरे साथ बैठे हो आके इसीलिए बैठे हो हैं बॉम्बे से मेरा सब कुछ है मैं मेरा यहाँ पे मेरी कर्म भूमि ये है मेरी फैमिली यहाँ रहती है पेरेंट्स को भी मेरे काफ़ी साथ आते जाते रहते हैं हरियाणा से पर मैं मोस्टली मेरे साथ रहते हैं राइट right. मैं अपनी बीवी को यहाँ मिला मेरे दोस्त सारे यहीं के हैं यहीं पे मेरा उठना बैठना सब कुछ यहीं है तो बॉम्बे तो यार मेरा घर है ना तेईस साल हो गए मुझे यहाँ पे hmm. वहाँ जाता हूँ तो मुझे अलग फीलिंग आती है पर वो एक इनोसेंस है वो एक उस टाइम Most का है वो. हाँ पर अब वैसा है नहीं hmm. वहाँ पे वैसे लोग नहीं है अब। बदल गए हैं सब अच्छा हाँ एटीट्यूड बदल गया अरे बिल्कुल आधुनिक हो गए हैं लोग वो भी तो हो गया वो हाँ, तो मुंबई मतलब वो, वो में सारा होती हैं और मेरी यादें है मेरी मैं भी मेरे कुंबा मेरा है सारा मेरे फादर की साइड वाला कुंबा पूरा वही है रोहतक में रोहतक में गाँव में तो मेरा तो वहाँ जाने बड़ा मन करता है पर जब भी मैं वहां जाता हूँ ना तो फिर मेरा मैं उनके साथ टाइम नहीं बिता पाता मन की बात नहीं कर पाता कदे कदे कर पाऊँ जब मैं अनअनाउंस्ड जाता हूँ अच्छा। नहीं तो फिर वही है लोगों की भीड़ लग जाती है फोटो 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 मैं मैडम मैं अपने काकी दादी काका कुका गहला भाइया गहला बैठने का टाइम ही नहीं मिलता नहीं। तो आदमी फिर वैसे इरीटेट हो जाएगा चलो यार तो मैं छुप के जाता हूँ और बिना बताए जाता हूँ एकदम से जाके जल्दी से निकल जाता हूँ मीडिया वाले आ गए अब अब तो जाना होता नहीं है ज्यादा पे नहीं होता मेरा मेरे काका जो गुजर गया था सबसे छोटे वाला उसके छोरा छोरी दोनों मेरे भाई बहन का दोनों का ब्याह था मैं गया था वहाँ पर ब्याह में वही है मैं जाके अपनाई ठाई ले जावा पूछ पाछ के ठाई फोटो फोटो फाटे गाड़ी में बस इतना ही था तो फिर एक मेरे काका दूसरे की, की शादी थी उसमें मैं जा नहीं पाया क्योंकि मेरा उस दिन अरे सेंसर कलवाज रहा था तो <laughs> पर मैं जाता रहता हूँ पर वही है छुप के जाता हूँ मैं ज्यादा मैं रोहतक शहर में कम जाता हूँ सीधा गाँव जाता हूँ जसिया जाता हूँ वहां पे हमारे खेत खाद पुराने घर वही पुराने घर अच्छा वह जमीन ना बेची ही भाई फिल्म बनाने जो चल रहा या न्यूज चल रही है भाई गांव ना 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 अरे बॉम्बे में जो फ्लैट फ्लूट लिए थे वे बेचे थे अच्छा अच्छा जमीन क्यों कर बेचा जमीन बच्चा कर <laughs> देख ले सुन ले भाई जो खबर फैला रहे हो <laughs> तो जो ये आपने और इतनी जमीन भी ना थी तो फिल्म बन जा इतनी जमीन भी ना आगे सु, अच्छा आपने नू तो बताइए कि भाई मतलब मुंबई शहर ने सब कुछ दिया भाई भाई जो भी बात हुई लेकिन एक तो है कि भाई, करियर वाइज बहुत कुछ दिया पर्सनली मतलब जो अंदर ते भी एक शहर बढ़िया लग गया उसमें क्वालिटी होगा देखो मैं तो जंगल में जंगल में जमीन ली है जंगल में जाकर रहूंगा मैं उड़ा बनाऊंगा अपना बढ़िया 3-4 ਕਮਰਾਵਾਂ ਘਰ ਉੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰੇ ਖੇਤੀ ਖਾਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜੰਗਲ ਹੈ ਉੜੇ ਤੋਂ ਬਾਗ ਬੂਗਾਂਡੇ ਆਕੇ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਿਲਾਤੀ ਨਾ ਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲਿਆ ਥੋੜਾ ਇਰਣ ਅਰਣ ਬਾਲੂ ਬੂਲੂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਮ ਬਣਾਵਾਂ ਘਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰ ਲਵਾਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਛੋੜ ਦਊਗਾ ਠੀਕ ਉੜੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖੂਗਾ ਲੋਟ ਮਾਰੂਗਾ ਔਰ ਉੜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉੜੇ ਬਾਲਕ ਬੂਲਾ ਕਨ ਬੜਾ ਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਜਾਊਗਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਔਰ ਕੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆੜੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਮੇਂ ਬਣਾਉਂਗੇ ਇੱਕ

साफ बेगा, बेगा और ये के जो लोकल ट्राइब्स हैं, हाँ. उनके गांव हैं, बढ़िया लोग हैं, शांति पूर्वक पूरा अच्छा, और पेड़-पेड़, है, का प्लान यो यो है कि जंगल में या खेत कर ले रिटायरमेंट तो ना है खेताओं में ना थोड़ा जंगल में जाके बना लिया क्या है अभी क्या है अभी आदमी थोड़ा सा और अब जहां नाप के अंदर होता है हम्म hmm. जहां नाप के अंदर होता है उसमें भरा भरा है अभी उसमें से कुछ और ढूंढना है निकालना है कुछ और एक पर्सपेक्टिव है मैं लिखने भी लग गया हूं आजकल hmm. तो अच्छा है अपनी शांति में जाके लिखाई पढ़ाई ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना कम ये वो अपने राइटर को मतलब जो लिखते हो अच्छा लगता है हां मैंने कई शॉर्ट स्टोरीज लिखी है वर्सोवा के ऊपर अच्छा हां शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं मैंने तो वो कहाँ पे पब्लिश पब्लिश अभी मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट पर्सन में लिख दी ऐसे लग रहा है तो वो कहानी है ऐसे लग रहा है ऑटो तो का ऑटोबायोग्राफी है तो मैं तो थोड़ा तो चेंज करूँगा <laughs> आपने इतना समय दिया भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद कई साल तक ट्राई कर रहे थे कोई भाई दे रहा है दुरुस्त है लाग रहे हैं ये पाँच पाँच मिनट मान लाग रहे हैं कि कर दो बंद कर दो कई तेरी बैटरी भी खत्म होने बैटरी तो कई दे घंटे चाल सके और कुछ मैसेज देना हो जो अपने हरियाणा के हैं या देश में कोई भी यूथ आ, है अपना रोज लो मौज लो थोड़ा कुछ आ, अपना अपना कुछ देश के लिए भी करो कुछ अपने स्वार्थ के ऊपर भी करो तो आप अपने इंडिविज पहले खुद खुद को करो बुलंद इतना तभी आप किसी की हेल्प कर सकते हो और भैया देखो जो मन में है जो श्रद्धा से करोगे जो लगन से करोगे तो आपको कहीं ना कहीं लेके जाएगा उसका कोई इलाज नहीं है मेहनत हर चीज़ में करनी पड़ती है कदर सोच रहे हो ना मेहनत करनी पड़े जिस चीज़ में मेहनत नहीं करोगे वो काम ठप है तो भाई सुन लिया आपने भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतना समय दिया थैंक यू बहुत बढ़िया लगे आपसे बात बो